वीडियो एंड ये वाला वीडियो होने वाला है मीशो विंटर शूज हॉल, जिसमें मैंने सारे विंटर हॉल के भी शूज इंक्लूड किए हैं और जो मुझे बूट्स में मिले थे, सर्च किए थे जो मैंने. सो वीडियो अच्छा होने वाला है. 4 आइटम मैंने परचेज किए हैं, तो आप देखना एंड तक, अच्छा लगने वाला है. क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो मैंने जब शेयर किया था तो वो आपको बहुत अच्छा लगा था, तो मैं अगेन आपके लिए लेके आई हूँ विंटर हॉल, तो मिस मत करना. सो स्टार्ट करते हैं. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पर भी आपको देख जाएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन द मूवी इस वाले बूट के साथ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गए और इन्हें मैं रखने वाली हूँ ऑफिस. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. पिक्चर आपको दिख जाएगी साइड में, बट इसका जो शेड है वो थोड़ा सा डार्क में आया आई गेस, और इसमें जो दिखाया हुआ है वो थोड़ा सा लाइट में दिखाया हुआ है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो पिक्चर होती है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, जो एक्चुअल कलर होता है वो नहीं दिख पाता है. तो जो शेड आया वो ये वाला है. अगर आपके पास कोई डिफरेंट आता है तो मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपके पास कौन सा शेड आया है. सो मेरे पास ये डार्क में आया है और इसका कुछ लुक इस तरह से है, आप देख लो एक बार. ठीक है, कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है. नीचे से ये पूरा आपको हील में मिल जाता है, ब्लॉक हील में है प्रॉपर, और यहाँ पर आपको पूरा वेलवेट में ब्राउन शेड में मिलता है, एंड आगे से भी थोड़ा सा हील में मिलता है, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इसका. एंड यहाँ पर आपको लेसेस मिल जाती है, काफी ज्यादा अच्छा लॉन्ग में है ये, और काफी ज्यादा इसका लुक अच्छा आने वाला है. बूट्स में ये इंक्लूड होता है पूरा, तो लॉन्ग बूट्स में नहीं. अगर आप शॉर्ट चाहिए, एंकल लेंथ में चाहिए, तो ये वाला परचेज करके देखना, आपको अच्छा लगने वाला है. इसमें आपको ब्लैक शेड भी मिल जाएगा, बट मैंने ब्लैक नहीं ब्राउन परचेज किया है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है. एंड इस क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्वालिटी वाइज मैं अगर इस बूट्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं. मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं बूट्स वगैरह के जो मैंने परचेस किए हैं, बट ये वाला मैं बता रही हूँ ये बहुत रीजनेबल प्राइस में है और बहुत अच्छा आपको मिल रहा है. अगर मार्केट में आपको इस प्राइस में ये वाले बूट्स मिलते हैं तो आप परचेस कर लेना, बट मीशो पे ये इतने रीजनेबल प्राइस में है तो जरूर एक ट्राई करना. पूरा आपको वेलवेट में मिल जाएगा, ठीक है. पूरा शेड जो है पूरा वेलवेट में है, नीचे से पूरा ब्लैक में है, काफी अच्छा इसका ग्रिप है, और ये यहाँ से जो इसकी फिनिशिंग है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है. कई शूजों में ये होता है कि यहाँ से जो इसकी फिनिशिंग होती है ये इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, बट इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है और अंदर से भी ये काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है. आप इसको वेयर कर सकते हो, और डेली बेसिस पे अगर आप वेयर करना चाहते हो तो डेली बेसिस पे कम वेयर करना, क्योंकि ये हील है तो बहुत जल्दी खराब भी हो सकती है, इनकी कोई गारंटी नहीं होती है. बट ये बहुत ज्यादा अच्छा शूज है, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो जो कोड है वो मेंशन कर दूंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख जाएगी, प्लस मैं आपको वेयर करके दिखा दूंगी कैसा लग रहा था. तो ये लुकिंग वाइज काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव सा लग रहा है ब्राउन शेड में. ब्लैक शेड में मेरे पास बहुत सारे शूज हो जाते हैं और मैंने अभी ब्लैक शेड में एक परचेस किए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक ब्राउन शेड में परचेस करके देखते हैं ये कैसा आता है. तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसको परचेस करके देखना, आपको जरूर पसंद आने वाला है. नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो ये वाला प्रोडक्ट जो परचेस किया मैंने, ये भी बूट्स ही है, एंड जो व्हाइट कलर के बूट्स मुझे ना, मैं सर्च कर रही थी क्योंकि मुझे मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो व्हाइट शेड में हो, बट ये बूट जो है ये भी काफी अच्छा है और लुक भी बहुत अच्छा है इसका, और थोड़ा सा सिंथेटिक लेदर में ये आ जाता है. नीचे से अगर आप देखोगे तो ये ब्लैक शेड में इसका जो है ये पूरा सोल आपको ब्लैक शेड में मिल जाएगा, थोड़ी सी हल्की सी हील मिल जाएगी, एंड इसमें आपको जो मिलेगा इसमें एक जिप भी मिल जाएगी साइड में, और यहाँ से आप इसको ओपन करके बेल्ट टाइप में इसका लुक दिया हुआ है, गोल्डन कलर का बेल्ट है, गोल्डन कलर के इसमें जो यहाँ पर ये हुक्स भी लगाए हुए हैं, पूरा लुक भी अच्छा आ रहा है, और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन सुंदर लग रहा है लगने को, और इसका लुक अच्छा आ रहा है, मतलब आप इसको परचेस करके देख सकते हो, अच्छा आने वाला है. और इसका प्राइस 700 समथिंग कुछ था, शूटोपिया से ये मैंने परचेस किया है, तो आप एक बार जरूर इसको ट्राई देना, और देखो इसका लुक बहुत सुंदर है. एंड यहाँ से इसकी जिप की क्वालिटी देखते हैं, तो जिप की क्वालिटी मैं आपके सामने चेक करती हूँ, तो ये इजीली ओपन हो गई है, यहाँ से इसको आप वेयर कर सकते हो. और अगर बात करते हैं इसकी इसकी तो यहाँ से इसका थोड़ा सा कलर थोड़ा सा फेड है, इसका गोल्डन का थोड़ा सा कलर फेड है, एंड इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा ये वाला. आप अगर इसको परचेस करना चाहते हो तो आप इसका कोड मेंशन कर लेना, लाइक कोड मैंने मेंशन किया है, आप उसको कॉपी करके चेकआउट कर लेना. और अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता रिटर्न में, बट जो एग्जैक्ट आपके पास प्रोडक्ट आया है वही शेयर करोगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा. और इधर ना साइज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना आपको अच्छा सा कुशन टाइप में थोड़ा सा फॉर्म टाइप में मिल जाएगा, एंड इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा सही है यार, मतलब 700 में आपको इस तरह के भी बूट्स मिल जाते हैं व्हाइट कलर में. व्हाइट कलर के आप अगर परचेस करना चाहते हो बिल्कुल प्रॉपर व्हाइट में, तो मैं वो एक्चुअली मैं जो शूज ढूंढ रही थी वो ये वाले नहीं थे, वो प्रॉपर जो स्ट्रीट स्टाइल स्टोर पे मिलते हैं ना व्हाइट वाले, मैं वो वाले ढूंढ रही थी. मीशो पे अगर कहीं अवेलेबल हो जाते हैं तो
तो उसकी जगह मुझे ये वाला मिला, तो मैं सोचा ये वाला ट्राई करते हैं, क्योंकि पिक्चर वाइज जो था नहीं थोड़ा सा अट्रैक्टिव था और पिक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा आया है, लुक भी अच्छा आया और जल्दी से खराब भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये सिंथेटिक लेदर है और जल्दी से ये खराब नहीं होता, बस थोड़ा सा लग सकता है। बाकी ये है ना बहुत अच्छे से आपको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर आप गीले वेट टॉवल से अगर इसको साफ करोगे तो ये साफ हो जाएगा, तो ये वाला चीज इसमें अच्छी चीज है। तो आप इसको परचेस करके देखना, आपको जरूर पसंद आने वाला है। तो इसका लुक आपको दिख जाएगा, ट्रायल ऑन आपको मैं साइड में मेंशन कर दूंगी, तो देख लेके एक बार चेक कर लेना कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, और आपको पैसा कैसा लगेगा। ठीक है, सो ये इसका सेकंड पेयर था। और बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है ये तो लाइक ये भी मैंने व्हाइट कलर के शूज में परचेस किया है, विंटर के पर्पज से किया था, क्योंकि मुझे व्हाइट बूट्स चाहिए थे, बट मेरे को व्हाइट वाले ये वाले ज्यादा अच्छे लगे इसके अकॉर्डिंग। बट ये अगर आप देखोगे एज अ शूज, तो ये एज अ शूज बहुत अच्छी क्वालिटी में है, काफी सही क्वालिटी है, मतलब ज्यादा खास नहीं बोलूंगी, बट क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और लुकिंग वाइज भी काफी स्मार्ट पीस लग रहा है ये वाला। आप इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे ना तो यहाँ से आपको दिख जाएगा पूरा पैटर्न इसमें, थोड़ा सा ना अलग से इसकी स्ट्रेप्स वगैरह अलग से की हुई है, बट मुझे ये इतना कुछ खास लगा नहीं। बट ओवरऑल इसका जो लुक आ रहा है ना, सच्ची बताऊं तो मैंने जब इसको ओपन किया था तो ये ना इसका लुक काफी अच्छा आ रहा है, दिखने में स्मार्ट पीस लग रहा है, बट अगर इसको आप बहुत ज्यादा गौर से देखोगे तो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं था। ये आपको पसंद आ सकता है। और इसमें ना दूसरा शेड भी सेम यही है, ठीक है। सो इसका लुक आप देख लो एक बार, कुछ इस तरह से लाइक देखो कुछ इस तरह से आने वाला है ये, ठीक है पूरा, और काफी ज्यादा हाई एंकल लेंथ में ही आने वाला है, और इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, ग्रिप भी काफी अच्छा है, और इसके ना फिनिशिंग भी काफी सही है, इस वाले शूज की फिनिशिंग काफी हद तक सही है। और इसमें शायद से ब्लैक शेड भी था, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि ब्लैक था या नहीं, क्योंकि मेरा सारा फोकस व्हाइट पे था कि मुझे व्हाइट बूट लेना है, बट ये वाले जो मैंने दिखाए ना शूटों पे वाले वो ज्यादा अच्छे हैं इससे, ठीक है, और बहुत सही काम करेंगे वो। और बट ये वाला मुझे इतने कुछ खास लगे नहीं, तो ये शूज के उसमें है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसको परचेस करो। बट इसका लुक काफी अच्छा रहा, बहुत रीजनेबल में, लाइक 500 समथिंग इसका कुछ कॉस्ट है, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। और ये ना डेली बेसिस पे सही रहते हैं, मतलब अगर ये खराब भी हो जाते हैं तो इतना दुख नहीं होता, तो ये वाले आप परचेस कर सकते हो। और इसका लुक पूरा अच्छा है, और इसमें मेरा नंबर जो है जैसे साइज है वो 6 है, और इसमें मेरा साइज है वो 5 है, ठीक है, क्योंकि मेरे को कभी कभी क्या होता है कि 5 नहीं आ पाता है, कई कई ब्रांड्स का जो होता है, कई कई जो जैसे मीशो में कई बार मेरे साथ हुआ है कि मुझे 5 नंबर जो मेरा है वो नहीं आ पाता है प्रॉपर, तो मुझे 7 परचेस करना पड़ता है, कभी मुझे 6 परचेस करना पड़ता है, तो इसमें मैंने 6 लिया है, और इसमें सही सही से आ रहा है, और इस वाली जीन्स के साथ ये काफी ज्यादा अच्छा मैच कर रहा है, और इसके साथ भी काफी अच्छा लुक आ रहा है इसका, तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। सो बात करते हैं नेक्स्ट फाइनल जो लास्ट प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है। मैंने 4 ही आइटम परचेस किया है, क्योंकि मैं छोटे छोटे मिनी हॉल बनाना चाहती हूँ ताकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना बने, सो इसलिए। सो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है सो लास्ट पेयर जो मेरे पास है वो ये वाला बूट है, और ये वाला आपने बहुत सारी साइट्स पे देखा होगा, ये अमेजन पे भी देखा होगा आपने, और मिंत्रा वगैरह सब पे देखा होगा, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा लाइक ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा फेमस लाइक थोड़ा सा ना ट्रेंडी वाला बूट आ रहा है ये वाला जो बूट है ना, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे आपको क्वालिटी मिल जाएगी। तो मीशो की क्वालिटी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो मैं इसको अगर पॉइंट्स दूंगी 10 आउट ऑफ मैं इसको 7 दूंगी, क्योंकि इसकी है ना फिनिशिंग इतनी कुछ ज्यादा अच्छी मुझे लग नहीं रही है। अगर आप गौर से देखोगे ना तो इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है इस इधर की साइड से, ठीक है। बाकी ओवरऑल ये शूज इतने ज्यादा अच्छे हैं, आप इसे परचेस करके जरूर एक बार देखना, आपको जरूर पसंद आने वाले हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं इसका लुक बता देती हूँ आपको, ये थोड़ा सा ना बूट वाले मिलेंगे, और इसका जो सोल है वो बहुत ज्यादा ही आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जल्दी से खराब नहीं होगा। और आपको इसमें कोई जिप नहीं मिलती है, कोई चेन नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता इसमें, बस आपको ना साइड्स में यहाँ पर ना इलास्टिक मिलता है, जिसको आप ऐसे ओपन करके वेयर करोगे तो नॉर्मली ये वेयर हो जाएगा, बहुत सुंदर ये पीस लगने वाला है। और मेरे को ना ये वाला इसका कुछ प्राइस याद नहीं है, बट ये बहुत रीजनेबल प्राइस में था, तो अमेजोन पे अगर आप देखोगे तो ये 1700 समथिंग कुछ था, या फिर यहाँ पर भी ये इतने का ही है, मुझे एग्जैक्टली याद, इसका शायद प्राइस 400 समथिंग कुछ है, बट इसका लुक इतना ज्यादा अल्टीमेट है ना, मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत ज्यादा अल्टीमेट इसका लुक आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है, एक बार ट्राई जरूर करना ये वाला बूट। और मैं बोल रही हूँ कि इसमें जो मेरा साइज है 39, लाइक इसमें मेरा साइज 6 है, और ये मुझे परफेक्टली आया है, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं आता है परफेक्टली फिट, मेरा 5 नंबर है, बट मुझे कभी कभी 6 भी आ जाता है, कभी 5 भी आ जाता है, तो मैंने ये 6 में मंगवाया कि कहीं मुझे पहनने में इशू ना हो। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको मंगवा लेना और देख लेना कि किस तरह से ये फिट आ रहा है,
बहुत ज्यादा अच्छा ये शूज लग रहा है, लाइक बहुत अच्छा बूट वाला ही है ये प्रॉपर, ठीक है। और इसका लुक देख लो कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है, बहुत शाइनी सा है। बस इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इसमें डिफरेंट है, मीशो पे आपको थोड़ी सी लो क्वालिटी मिलेगी, बट अगर आप अमेजन और मिंत्रा पे देखते हो तो वो थोड़ी सी हाई आपको मिल जाएगी और थोड़ा सा प्राइस भी इसमें हाई मिलेगा, तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको मिल रहे हैं मीशो पे, तो इसको चेकआउट करना मत भूलना प्लीज। तो ये दोनों आप परचेज कर लेना, 400 समथिंग में कुछ था ये, और अगर मुझे जितना याद है मैंने अमेजन पे इसका वीडियो बनाना था बट मैं भूल गई थी, तो इसका प्राइस उस टाइम पे 600 समथिंग कुछ था, तो थोड़ा सा ज्यादा ही है और क्वालिटी का भी फर्क आता ही है। सो ये सारा स्टफ मैंने जब परचेज किया था, तो मुझे जरूर बताना आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।